तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ भी क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, गन जैसा लग रहा था ना, पता नहीं ना आजकल बहुत संभल के रहना पड़ता है भाई। अरे मैं कंगना रनावत थोड़ी हूँ, तो बीजेपी डायरेक्ट मुझे जेड सिक्योरिटी दे देगी। सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। भाई कपड़े चेंज करने थे, उसमें एक दो वॉक ले लेना चाहिए था ना, वो ड्रेस में नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया। ठीक है आराम से पीछे हो जाओ, हम लोग पीछे बहुत चला हटा गया ब्रो, ठीक है कृष्णा भाई इधर मत आओ, मैं क्यों एक सेकंड को स्टार्ट होगा गाइस प्लीज शांत हो जाइए यार, ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है। ये प्रिंस मावी जो है मुझे मेल आया है उनका, आप देख सकते हैं ये क्या मेल है, आप पढ़ के सुना दीजिए। पढ़ के सुना क्या लिखा है थोड़ा, अगर अगर एक लाइन कुछ अगर पॉइंटर्स अगर आप, मतलब लिटरली धमकी दी है क्या लिख के, एलबी ग्रुप मतलब कौन सा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हाँ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हाँ ये एलबी ग्रुप मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आप देख सकते हैं कैमरा में दिखा दीजिए लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गोल्डीबरा ग्रुप जी रखिए। तो कह रहे हैं कि अपने प्रिंस प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं, धमकी मुझे धमकी दे रहे हैं कि सॉरी मैं भी एकदम वो ऊपर से थोड़ा अगर आप पॉइंटर्स बता सकते हो, राखी हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे, वो कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले अब की बार उसने सिक्योरिटी में है एक है मैनेज व्हाट इज दिस मैं ही मारेगी अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे ऐसे लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए वरना फिर तू क्या तू भाई तैयार वरना तू भी भाई तैयार रहना गुज्जर प्रिंस बिश्नोई ग्रुप से, आप लोग देख सकते हैं। राखी जी मेरा सवाल रहेगा इस विषय पे, कितना आप सीरियस ले रहे हो, पुलिस को आपने कहा कि अरे पुलिस को और भी तो काम है, बट भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो, मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई दो आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे वो लोग, वो इंटर में बातें करते मारते गोली मार दी, ए गोली मार रहे क्या, हाँ ए दूर हटो, गोली वोली मार रहे हो क्या तुम लोग, तो क्या मार रहे हो, वीडियो बोलते आंख मार रहे भाई पता नहीं ना, मालूम नहीं ना, यहाँ पे मीडिया के आज तुम लोग भी सेफ नहीं हो भाई। राखी जी ये काफी एक सीरियस विषय है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है, मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ भी क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, फिर रोते हैं, फिर बैठ देते। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ
मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा जो रोज़ा है, मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ऐसा कभी मेरे भाई के साथ, सलमान भाई के साथ ना हो, क्योंकि उनकी उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मेरी माँ पे, हमारे ख़ानदान पे बहुत कर्ज़ है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आके बोलती हूँ कि विष्णु भाई, बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई भाई, बिश्नोई समाज, इसीलिए मैं आपके सामने आके उठक बैठक करी थी। मैं बोली थी भाई अगर मेरी माफ़ी से चल जाता है तो आप लोग माफ़ी ले लीजिए, हम लोग कोई ईगो वाले, कोई घमंड वाले लोग नहीं है कि ये लोग कौन है करके, नहीं, हम झुक के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की इज्जत और किसी की जान का सवाल है, यू नो, इसीलिए यहाँ पे कोई घमंड की बात नहीं है। लोग इंडस्ट्री से निकलते नहीं हैं, यहाँ पे सलमान भाई को फिल्मों में लोग यूज़ कर लेते हैं या उनके साथ फिल्में बनाते, और लेकिन पीछे आके कोई बोलता नहीं है कि ये गलत बात है भाई। हर कोई डरपोक और सबकी पुंगी बजी है, मेरी पुंगी कभी बजती नहीं है, मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। तो मैं यू नो, सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी, मैं आपकी बहन हूँ, गुस्सा ना करे, गुस्सा शांत करे और ये मारने वारने की धमकी ना दे। जिस खुदा ने आपको भी जन्म दिया है, सलमान भाई को भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो जान लेने वाला तो खुदा है, आप धमकी ना दें। क्या मैं जी पुलिस की हेल्प लोगे इस विषय पे? अरे पुलिस की क्या हेल्प लूँ, अरे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 6 घंटे बिठा देते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग बाहर रहते हो, राखी सावंत ब्रेकिंग न्यूज लगाते हो, राखी सावंत तो पुलिस स्टेशन में बैठी है, तुम लोग जब तक मैं कंप्लेंट लिखा के बाहर आ जाती हूँ तब तक तो तुम पता नहीं जेल भी पहुँचा देते हो, फांसी भी लगवा देते हो। हाँ, पुलिस स्टेशन में जाके भी फायदा इसलिए नहीं कि वो हाथ पकड़ के 8 घंटे बिठा देते हैं, धीरे 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 पूछते हैं। ये पुलिस वालों को कोई तो डोज वाला इंजेक्शन लगाओ ताकि फटाफट कंप्लेंट ले, फटाफट हमको भेज दे। बट मैम आपको नहीं लगता कि आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप इस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है तो आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, यू नो दैट? मतलब मेरी जान खतरे में है क्या? नहीं, मतलब जिस तरह ये गोली मार रहा है, गोली मार रहा है, मार रहे, लो उसको दो, गोली मार रहे, गोली मार रहे, गोली मार रहे, मार रहे, ले ले, बस बस कर, ले गोली मार रहे। ऐसे थोड़ी ना मीडिया से बात करते करते गोली मारोगे तुम लोग, गोली मार रहे, देखो पीछे गोली मार रहे। हाँ पक्का, बंदूक कहाँ रखी है? गन क्या दिखा नीचे, नहीं वो पैंट के अंदर क्या दिखा? पैंट के अंदर तो कुछ हो रहा है, बस पैसे हो गए। नीचे होगी, मतलब क्या बोल रहे हैं? कौन कौन है? कोई गाइड नहीं करेगा, बस नीचे स्पॉट पे, स्पॉट पे, बस बस बस, ये स्पॉट। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, वो क्या था, मैंने बोला पैंट गन जैसा लग रहा था ना, पता नहीं ना आजकल बहुत संभल के रहना पड़ता है भाई। अरे तुम लोग मेरे मुंह में घुस जाओगे क्या यार? अभी गर्मी छोड़ो, इतने माइक मेरे मुंह में घुस जाएंगे यार, इतने माइक है इसमें तो कोई बंदूक ना हो। वो तो मारेंगे बाद में, तुम लोग पहले मार डालोगे, ये देखो। ठीक है, हो गया, मैं जाऊं। आपका क्वेश्चन जो था अभी, क्या जान लेगी? पूछ रही है। राखी जी जवाब दे दीजिए, बोल बोल। कि मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है इस समय मीडिया के सामने इस तरह, तो आपको नहीं लगता कि मैं एक बात बोलूं? जब अभी मेल आया ना मुझे कल, मैंने आप लोगों को भेजा भी है, और वो उस मेल पे आप लोग बात करो ना, पुलिस को आप लोग दो ना। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मेरे को 8 घंटे बिठा के रखते हैं, चाय पिलाते, बिस्किट खिलाते, सब करते, मेरे को नहीं जाना पुलिस स्टेशन। मेरा रोजा भी चल रहा है, मैं बोलते बोलते उधर सो जाऊंगी, कंबल लेके जाती हूँ पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट लिखते लिखते पुलिस स्टेशन में ही सो जाऊंगी। वो 6 घंटे लगाते हैं, 8 घंटे लगाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ पुलिस स्टेशन, बताओ। ओके मैम, मूव द क्वेश्चन। आपने रोजा, सिक्योरिटी है, मुझे मुझे सिक्योरिटी अभी कौन देगा? अरे मैं कंगना रनावत थोड़ी हूँ, तो बीजेपी डायरेक्ट मुझे जेड सिक्योरिटी दे देगी, बताइए। हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है छोटू कहाँ, छोटू आया नहीं आज, भाग गया। अरे इधर आ, हाँ छोटू भाई,
तू भाड़ में जा, सुन मेरी बात। मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को धमकी मिल रही है। किधर है तू, जल्दी आ। किधर, कितना देर, मैं नीचे खड़ी हूँ। वो आ रहा है अभी, मेरा बॉडीगार्ड आ रहा है। तुम लोग इधर ही रुकना, कहीं जाना नहीं। थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ बॉडीगार्ड की। चलो पीछे जाओ, चलो। थैंक यू, बॉडीगार्ड आ रहा है।